लेकिन दोस्तों कश्मीरी की दफा फिर जा गए मस्जिदों में ऐलानात शुरू के कोई बंदा बिजली का बिल जमा ना करवाए। हम आपको वो वीडियो सुनवाते हैं मगर इससे पहले आपको बता दें कि अब ये जो सूरत हाल हुकूमत की तरफ से शुरू हुई है कि हर दूसरे दिन बिजली पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ा दिए जाते हैं जिसकी वजह से हर चीज महंगी होती जा रही है, मगर अब मीरपुर डिस्ट्रिक्ट बार भी मैदान में उतर चुकी है। ये वीडियो सुने फिर इसके बाद हम आपको बताते हैं कि अब ये होने क्या वाला है और डिस्ट्रिक्ट बार मीरपुर आगे क्या करने वाली है। ये वीडियो सुने जरा। दोबारा समाप्त फरमाएं कि हुकूमत की जानिब से जो बिजली के बिलात में नाजायज इजाफा किया जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, अंजुमन ताजरान और मीरपुर की तमाम सियासी और मजहबी जमातों ने मिलकर यह फैसला किया है कि अब सिर्फ बात से इनके साथ कोई भी मामला तय नहीं किया जाएगा। अगस्त में आने वाले तमाम तर बिलात, चाहे वो दुकानों के हों या घरों के हों या के मसाजिद और मदारस के हों, वो जमा नहीं करवाए जाएंगे। और जमा ना करवाने की सूरत में अगर महकमे की जानिब से कोई भी शख्स आपके घर का, आपकी दुकान का या आपके मदरसे या मस्जिद का कनेक्शन काटने की कोशिश करता है तो पहले आप उसको रोकें। अगर वो नहीं रुकता तो उसके बाद तमाम तर जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मीरपुर पर होगी। जिन हाथों से वो शख्स आपके घर का, मस्जिद का या मदरसे का कनेक्शन या तार काट कर जाएगा, इंशाल्लाह ज़वाजल ये तमाम तर जिम्मेदारी मीरपुर बार एसोसिएशन पर है कि उन्हीं हाथों से वो दोबारा तार जोड़ कर भी जाएगा। और इंशाल्लाह ज़वाजल तमाम अहले इलाका को ये यकीन दहानी करवाई जाती है कि मीरपुर बार एसोसिएशन के इस कदम उठाने से इंशाल्लाह जो नाजायज टैक्सेस हमारे बिलों पर लगाए गए हैं ये वापस लिए जाएंगे। और इंशाल्लाह जो डैम की सूरत में मीरपुर शहर को रियलिटी मिलनी चाहिए वो इंशाल्लाह मीरपुर बार एसोसिएशन, अंजुमन ताजरान और बाकी तमाम फलाही, मजहबी और दूसरी तंजीमें मिलकर इंशाल्लाह वो हक मीरपुर के शहरियों को दिलवाएंगे। तो दोस्तों आपने वीडियो सुनी, अब होगा ये कि आवाम बिल जमा नहीं करवाएगी। अगर ये जमा करवाना ही चाहे तो नहीं करवा सकते क्योंकि अब जो बिल आने वाले हैं वो जमा करवाना किसी के बस में ना होगा। बिल जमा ना होने की सूरत में जो भी एहलकार कनेक्शन काटने आएगा, अगर कनेक्शन काटने में कामयाब हो गया तो उस पर FIR कटवा दी जाएगी। मसलन अगर 50 कनेक्शन वो काटते हैं तो 50 FIR में अदालत जाना उनकी पहुँच से बाहर है। तो दोस्तों डिफॉल्ट के सींग नहीं होते, डिफॉल्ट का मतलब इसी किस्म के हालात होते हैं जो आजकल इस मुल्क पाकिस्तान में चल रहे हैं। तो नाजरीन इसके साथ ही मैं जाना चाहता हूँ। अल्लाह के बाद।